यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। आज टिहरी के सुमनपाक में कांग्रेस ने हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए बर्बरता कांड के खिलाफ मौन आक्रोश व्यक्त किया। शहर अध्यक्ष देवेंद्र नोडिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से एक लड़की के साथ बर्बरता की गई वह बहुत ही शर्मनाक है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इस मौके पर काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके पीछे कारण यह है कि जो मानवता के अंदर जो ये विकृतियां आ गई हैं हमारी सोच में, उसके खिलाफ ये मौन आक्रोश था। क्योंकि सरकारें भी अपना काम करती हैं और जहां पर ऐसी हुई है तो शायद प्रशासन भी कर रहा होगा, उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही होंगी, कानूनी प्रक्रिया उन पर चलेगी, कार्रवाई भी होगी। लेकिन असली मुद्दा यह है कि जो हम लोगों की जो मानवीय चेतना है अंदर की, जो ह्यूमन वैल्यूज जिसको बोलते हैं, वो खत्म हो गई है। हम लोग बेटी में, बहन में, माँ, मतलब हम लोगों को कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता। और पब्लिक को देख लीजिए आप, लोगों में कोई आक्रोश नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि ऐसा हो गया, एक दलित की बेटी है उसके साथ अगर ऐसा अन्याय हुआ है, और शायद उसके साथ ये अन्याय इसलिए किया गया कि उसके भाई ने उन लोगों पे कोई जाति सूचक शब्दों पर कुछ दर्ज किया था कि उन्होंने कुछ ऐसा किया, तो उसका बदला लेने के लिए उस बिटिया के साथ इतना मतलब दुर्दांत ऐसे हरकतें की गई कि उसकी जीभ तक काट दी गई कि वो किसी का नाम ना ले सके। और 15 दिन संघर्ष करने के बाद, हॉस्पिटल में जूझने के बाद वो मौत को चली गई। तो ये जो चीज़ें हुई हैं ये सच में शर्मसार करने वाली हैं। और क्योंकि यूपी में तो राम राज्य की बात होती है, तो हम लोग तो ये उम्मीद करते हैं कि भगवान राम से पहले जो है राम राज्य लाने की दावे करने वाले लोग इस पे कार्रवाई करें, और वो नहीं है तो तब भगवान राम तो सबके हैं, वो तो न्याय करेंगे। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।